आज की कहानी ऐसे एलियंस की है जो साइज में बहुत बड़े थे। वो इंसानों को मारकर उनके खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो जहरीले और खतरनाक थे। वो इंसानों को मार रहे थे। हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे वो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। रे का बेटा उससे नफरत करता था और उसकी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। अब जब उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी तो बच्चों का ख्याल अब रे को ही रखना था। घर में बैठा रे का बेटा जब टीवी पर खबर सुनता है कि कई शहरों में तूफान और जलजले आ रहे हैं, जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। उसकी बेटी उसको बताती है कि भाई गाड़ी लेकर कहीं पर चले गए हैं। रे तो ये सुनकर परेशान सा हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से बाहर अपने बेटे को ढूंढने जाता है। रे देखता है हर कोई आसमान को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वहाँ पर शहर के बीचों बीच कोई चीज आकर गिरती है जिससे बहुत सा धुआं उठने लगा था और तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती है। रे भी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक से हवाएं रुक कर जमीन पर बिजली गिरना शुरू हो गई थी। रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागता है। वो दोनों डरकर छुप गए थे पर कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मगर अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। उस बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली सारी गाड़ियां खराब हो गई थी। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है। वो उसे घर जाने का कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके और खुद शहर के हालात मालूम करने चला गया था कि आखिर ये सब कुछ शहर में हो क्या रहा है। तभी ये एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। वहाँ जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा था जो हाथ लगाने पर बहुत ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद पूरी जमीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर एकदम से जमीन भी टूटना शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी सब उस गड्ढे के अंदर जा रही थी, लेकिन कोई उस गड्ढे में था जो सभी गाड़ियों को दूर फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे में से एक खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जो उड़ सकता था। उसके पास बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो अपनी लेजर लाइट से लोगों पर वार कर रहा था। जिन लोगों को उसकी लेजर लाइट जरा सी भी लगती थी वो इंसान धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। चारों तरफ एक अफरा तफरी मच गई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे तो जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया था। जब उसके बच्चे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ये अब जरूरत का सारा सामान लेता है और अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गया था। दरअसल रे अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर किसी महफूज जगह पर ले जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। तभी उसका दोस्त भी आ गया था जो साथ चलने का कह रहा था, पर काफी देर हो चुकी थी। वहाँ पर वो बड़ा एलियन आ गया था जो अपनी लेजर लाइट से उसके दोस्त को भी खत्म कर देता है। रे जल्दी से गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को अपनी बीवी के घर ले आया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी बीवी अपनी मॉम के घर जा चुकी थी, पर फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहता है, उनके लिए खाना भी बनाता है, मगर उसके बच्चों को भूख नहीं थी। इसके बाद वो सोने चला गया था। उसने हिफाजत के लिए अपने पास एक गन भी रखी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर रे को जोर शोर से आवाजें आने लगी थी। उसके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला गया था। सुबह को उठकर जब ये देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन था जो तबाह हो चुका था। ये सब कुछ भी एलियंस ने ही किया था। वहाँ पर आई न्यूज रिपोर्टर रे को बताती है कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल करके जमीन पर आ चुके हैं। वो बहुत खतरनाक हैं और अब तो वो तादाद में भी बढ़ने लगे हैं। उनके पास एक खास कवर है जिससे वो खुद को महफूज रखते हैं, इसीलिए तो हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। सभी बातें सुनकर रे बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपने बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक अलग ही रास्ते से लेकर जा रहा था। वहाँ पर वो आर्मी को देखते हैं जो शहर की तरफ जा रहे थे। रे भी अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर वो उन लोगों को देखते हैं जो अब बेसहारा हो चुके थे। उनका सब कुछ तबाह हो गया था, इसीलिए वो रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी इस गाड़ी की मदद से किसी महफूज जगह पर जाना चाहते थे। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने का कह रहे थे। वो उन पर अपनी गन कर देता है, पर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे इसीलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक होटल में आ गया था। बाहर सभी उसकी गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़े शिप की मदद से यहाँ से इस शहर से निकलना चाहते थे। रे भी इन लोगों में ही था, पर तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहाँ पर जितने भी परिंदे थे सब एक ही तरफ उड़ रहे थे। इधर भी बहुत बड़े बड़े एलियंस आ गए थे। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सब के सब शिप में चढ़ गए थे। ये समझ रहे थे कि इनकी जान बच गई, पर एलियंस इनको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। पानी में अजीब सी चमकीली रोशनी होने
करने लगी थी। वो एलियंस पानी में भी आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आकर पूरी शिप को उल्टा दिया था। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस पानी में भी सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ पर ले जाता है। वो दूर बैठे देखते हैं कि एक भी इंसान उन एलियंस के वार से बच नहीं पाया था। जाते हुए रे तो ये भी देखता है कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे, क्योंकि एलियंस उन्हें अपनी लेजर से धुएं में बदल रहे थे। रे सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर आर्मी वाले एलियंस का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी वालों की मदद करना चाहता था, पर वो उसको समझाता है, कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और आर्मी की लड़ाई में हर तरफ आग लग जाती है, तो वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो उसे अपनी खुफिया जगह पर ले गया था। वो आदमी उसे कहता है तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, पर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। रे जब उस आदमी से बैठा बात कर ही रहा था तो एकदम से ये जगह भी हिलने लगी थी। वहाँ पर भी एलियंस आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे थे। रे ये देख कर हैरान हो जाता है। फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो दीवार से निकल रहा था। वो सारा पौधा खून से बना हुआ था। रे को उसे देखकर पता चल गया था कि ये पौधा जरूर एलियंस ने ही बनाया होगा। तभी उसे ऊपर के हिस्से से आवाजें आती हैं। एलियंस ने इनके घर की छत को तोड़ दिया था। वो अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरे घर को देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं, इसीलिए ये अपनी बेटी और उस आदमी को लेकर छुप जाता है जिसके घर में रह रहा था। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो एलियंस तो वहाँ से चले गए थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर और दूसरे एलियंस आ गए थे जो इंसानों को ढूंढ रहे थे। रे अपनी बेटी को लेकर दोबारा से छुप गया था, मगर वो आदमी अब डर जाता है जिसका घर था। वो अपनी गन से उन एलियंस को मारना चाहता था। रे उसे रोकता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम, जानते हो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी तुम्हारी। अगर उन एलियंस को जरा सा भी शक हो गया कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई इंसान रहता है, तो वो इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। वो आदमी अब रे के समझाने से रुक तो गया था, इसीलिए वो एलियंस भी यहाँ से चले गए थे। सुबह को रे और उसके साथ जो आदमी था वो देखते हैं एलियंस इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे और पौधे पैदा कर रहे थे जिनमें भरी गैस से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी ये सब देखकर डर जाता है। वो जल्दी से अपने घर में ही जमीन को खोदकर रास्ता बनाने लगा था। वो रे की भी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि रे उसको समझा रहा था, कहता है ऐसे करने से तो बहुत आवाज आएगी, वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, पर वो आदमी नहीं सुनता। इसीलिए रे अब अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार देता है, क्योंकि बचने का कोई और रास्ता नहीं था। वो उस आदमी को मारकर रात को जब अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो उसकी बेटी की अचानक से आंख खुलती है। एलियन ने उन्हें ढूंढ लिया था। उससे बचने के लिए रे की बेटी वहाँ से भागती है और वो एक कुल्हाड़ी से उस पर बार बार वार कर रहा था। उसने उसके टेंटिकल्स को तोड़ दिया था। फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है। वो अब घर से गायब हो गई थी। जब ये उसे ढूंढने बाहर जाता है तो वो देखता है उसकी बेटी के आगे एक बहुत बड़ा एलियन आ गया था जिसने उसे पकड़ लिया था ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके पौधे बना सके। रे इसी तरह भी अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो अब उन एलियंस का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और उसको भी बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया था। उस एलियन ने अपने अंदर बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था, पर रे की बेटी अभी भी जिंदा थी जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी अचानक से एलियन का एक टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि एलियन अब उसको मारना चाहता था, पर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब रे को अपनी तरफ खींच रहे थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर रे तो कुछ और ही सोच रहा था। उसको एक आइडिया आया था। उसके पास कुछ ग्रेनेड्स बॉम्ब्स थे। जब एलियंस उसको अपने अंदर खींचता है तो वो बॉम्ब को उस एलियन के अंदर डाल देता है। तभी बॉम्ब के फटने वो एलियन खत्म हो गया था। अब वो लोग जो एलियन के अंदर कैद थे वो भी सभी आजाद हो गए थे। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में आ जाता है, पर यहाँ पर भी आर्मी के साथ एलियंस की जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। तभी रे देखता है जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। आर्मी ने भी बहुत से एलियंस को खत्म कर दिया था। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। सब भागने लगे थे। रे नोटिस करता है कि उस एलियन के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, यानी कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई कवर ही नहीं था। इसीलिए रे उन आर्मी वालों से एलियन पर हमला करने का कहता है इस पर हमला करो, ये मर जाएगा जल्दी। आर्मी वाले बहुत बड़े बड़े रॉकेट से उस एलियन पर हमला करते हैं, जिससे उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार दिया था। उस एलियन के तबाह होते ही उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो जमीन पर आते ही मर गया था। जमीन पर से सभी एलियंस खत्म हो गए थे, जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास आता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहाँ पर था जो अपने डैड के गले मिलता है। सब लोग बहुत खुश थे और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ। तो उन एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो जमीन से अब बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।